नौशिबानी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। सवाल हर कोई यही पूछ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे क्या? लापरवाही हुई है? देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें ये साफ हुई हैं कि पहले घटनास्थल पर 6 लोगों की मौत हुई और कुछ इमीडिएटली लोगों को एडमिट किया गया 2 अस्पतालों में। मौत का आंकड़ा 7 पहुंच चुका है। हालांकि 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में घायल है। 5 की हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। आप देख पाएंगे कि मुंबई पुलिस की टीम यहां मौजूद है, वहीं एक तरफ जो फायर ब्रिगेड्स की टीम है वो भी लगातार अपना जो काम है कूलिंग का वो पूरा कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पर जो यहां पर आप देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए कि आग लगने की कुछ तस्वीरें आपको दुकानों के बाहर समझ आएंगी कि अंदर कुछ गाड़ियां मौजूद थी, उसके अंदर भी आग लगी, ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी। कुछ लोग जब फंस गए थे अंदर मौका वारदात पर, तब वो काफी बड़ी पैमाने पर घायल हुए हैं। बातचीत करेंगे यहाँ के रेसिडेंट से, जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई, क्या कुछ आप लोगों ने देखा, फायर ब्रिगेड कब आए? रात को 2:45 बजे 2:45 को जोर से आवाज आने चालू हो गया, तो हम लोग गैलरी में आ गए, तो बाद में लोग बोलने लगे कि पीछे ये हो गया, आग लग गई है करके। हम लोग कुछ सोचा, हम लोग की सिलेंडर बिल्डिंग का सब जा रहा है, जोर जोर से स्पोर्ट्स हो रहा था, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग के बच्चे लोग ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, 3:20 को फायर ब्रिगेड की फर्स्ट गाड़ी आ गई, देन आफ्टर बाद में गाड़ी आ गई, तब तक नहीं आए थे गाड़ी। एग्जैक्टली उधर एक गाड़ी थी ना, उसको आग लग गई, बर्न हो गई है, उसके साथ उसके बाजू की सब 20 गाड़ियां जल गई। ओके, सो वी जस्ट हर्ड फ्रॉम द रेसिडेंट कि यहाँ पर जो है वो एक गाड़ी लगी। आप देख पाएंगे अभी भी कुछ कार्य अधिकारी जो हैं वो अंदर से यहाँ बाहर आ रहे हैं, मौजूद हैं। ब्यौरा इन्होंने किया कि आखिर आग लगी कैसे थी, उसकी वजह निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि एक फायर ब्रिगेड के लिए भी एक चैलेंजिंग मोड हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सक्रिय गलियों में उनको जाकर ये काम करना पड़ता है कि वो कूलिंग का काम करें और आग बुझाने का काम करें, और मीनवाइल इसमें समय लग जाता है कि जो इंजर्ड का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन साफ तौर पर आपने देखा आग लगने की वजह जो है वो स्पष्ट नहीं है। हालांकि यहां पर जो रहने वाले लोग हैं रहवासी, उनका कहना है कि अंदर गाड़ी के पास एक ब्लास्ट हुआ था और उसी के चलते सीरीज ऑफ ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला, जो आसपास की गाड़ियां मौजूद थी उसके इंजिन और व्हीकल्स में आग लगी थी। लेकिन स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं अभी भी जो कूलिंग का काम है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस द्वारा और फायर ब्रिगेड की टीम्स द्वारा लगातार जारी है। बीएमसी के अधिकारी भी यहां बड़े पैमाने पर पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर लगातार जो मुंबई के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स में हमें अक्सर आग देखने को मिलती है, यहां पर इस बार 5 मंजिला बिल्डिंग में आग देखने को मिली है। और साफ तौर पर अंदाजा लगाना मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो मौत के बढ़ रहे हैं। 5 लोगों को बताया जा रहा है कि वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिसके चलते आंकड़े जो हैं वो और न बढ़े इसी की कामना कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर इसमें 30 से ज्यादा लोगों को तुरंत ही इवैक्यूएट किया गया था, तुरंत ही बिल्डिंग से बाहर निकाला गया था। और अभी भी तस्वीरें स्पष्ट हैं आपके सामने कि जो काम है जांच का विषय है, क्योंकि ये कि आखिर आग लगी कैसे, ग्राउंड फ्लोर में गाड़ियां कितनी मौजूद थी, किस तरीके से आग लगी, क्या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था या सारी चीजें हुई उसकी गेटिंग दोस लाइव पिक्चर्स फ्रॉम दिस बिल्डिंग इन गोरेग्राउ दैट कॉट फायर लेट लास्ट नाइट। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली वी आर टोल्ड दैट अराउंड 7 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। आई एम लौटेंगे आपके पास शिवानी व्हेन इट कम्स टू फर्दर अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स ऑन दैट स्टोरी। फॉर नाउ वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।